आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है CDS के रिगार्डिंग। जब मैंने इस टॉपिक के बारे में सोचा ना, तो मैंने सोचा इस टॉपिक के बारे में मैंने आज तक तो कुछ बोला क्यों नहीं है। लगभग 300 वीडियोज हमारे चैनल पे और मैंने कुछ बताया ही नहीं है, तो मेरे को लगा कि हाँ अब बताना चाहिए। और टॉपिक का नाम है बायोलॉजी, और जो स्टार्टिंग मैंने प्रॉब्लम फेस करी थी वो मैं आपको साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो होता क्या है, जो लोग OTA के स्टूडेंट हैं उन्हें बायोलॉजी करनी ही करनी है, आप तो स्किप कर ही नहीं सकते, और आई होप नहीं भी कर रहे होंगे, है ना। OTA वाले मत छोड़िए, कुछ भी मत छोड़िए, ठीक है। और जो AFA IMA और INA के स्टूडेंट हैं उनके दिमाग में एक खुराबाती आइडिया आ जाता है कि बायोलॉजी तो हमने पढ़ी ही नहीं है 12th तक, उसमें जितना टाइम देना पड़ेगा उससे ज़्यादा कहीं हम और लगा लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, है ना। ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, तो वही चीज़ से आपको जो है बचना है। मैं 3 बार फेल हुआ हूँ CDS में, और मेरे उद्देश्य यही है कि आप लोग वो गलती ना करें जो मैंने कराया। और आई थिंक शायद यही बातें आपको पसंद आती होंगी, इसीलिए आप लाइक वगैरह सब्सक्राइब करते हैं, तो थैंक यू। और बाकी जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगती है, ठीक है। तो फिर क्या बात है, हम जो है 12th में बायोलॉजी नहीं लेते हैं, मैथ्स ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने हाई स्कूल तक बायोलॉजी पढ़ी हुई होती है। अगर मेरे को पता है कि अगर हम CDS में घुस रहे हैं और बायोलॉजी का पोर्शन देखी जाए तो वो कितना है, 10 questions है, और जो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग काफ़ी कम है, बिल्कुल हाफ है ना। उसमें 20 questions आ रहे हैं, इसमें 10 questions आ रहे हैं, उनका वेट 16-16.5 marks का है, इसका 8.5 marks का है, 8.3 marks का है, ठीक है। बट आप देखिए आपके अकॉर्डिंग इसमें क्या होना चाहिए, जो एक कैलकुलेशन है बेसिक, आपको पॉलिटी में इससे दुगनी मेहनत करनी होगी, सिंपल सी बात है, बायोलॉजी से ज़्यादा नहीं, आपको 4 गुनी मेहनत करनी होगी, नहीं आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कंपेरेटिवली बायोलॉजी के। ये आपको खुद समझना है कि आपको उसमें कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब एक दिक्कत क्या हो जाती है, हमें मज़ा आने लगता है, एक तो GS में पॉलिटी पढ़ रहे हैं पॉलिटी में मज़ा आने लग गया, जियोग्राफी पढ़ रहे हैं जियोग्राफी में मज़ा आने लग गया, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में मज़ा आने लग गया। ये मज़े जो हैं ये मज़े नहीं लेने हैं हमें, इससे बहुत ज़्यादा बचना है। तभी मैंने बोला था कि GS को टाइम जो है आपको लिमिटेड रखना, यही आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि GS की टाइम को लिमिटेड कैसे करें। वो सब आप लोग अपने आप होशियार हैं, आप समझ के होंगे कि GS की टाइम को लिमिटेड करना है, तो आप कर लीजिए। बाकी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपको हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी में उनसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। उसके बाद भी अगर आप, जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी आप पूरी करके बैठे हैं, 20 आपने कंप्लीट कर ली, अपनी तरफ से कंप्लीट कर ली, आप उसमें से भी 20 में से 10 questions करने में आपकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। जो बेसिक क्वेश्चंस होंगे ना वो आप थोड़ा सा कम पढ़ेंगे ना तो भी कर लेंगे, और बाकी जो हाईफाई क्वेश्चन आएंगे वो बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद ही हो पाते हैं, तो उनके पीछे ना पढ़िए। एक्चुअली बायोलॉजी में क्या है, 9th-10th की बायोलॉजी करनी है सिर्फ आपको, 9th-10th, ठीक है। और 4 chapters उसमें, 6 उसमें, लगभग 10 chapters मान लीजिए आप, 10 से शायद 11 होंगे, 10 ही होंगे, 11 भी नहीं होंगे, ओके। 10 chapters से आप ये मान लीजिए उसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, तो आप इंपॉर्टेंट के चक्कर में मत पड़ा करिए। आपको क्या करना है, 9th-10th की बायोलॉजी करनी ही करनी है, उसे मस्ट कर लीजिए कि हाँ मैं ये करके ही मानूंगा। आप देख लीजिए फिजिक्स और केमिस्ट्री आप वो करते हैं क्योंकि आपने वो पढ़ी हुई होती है, आपके उसके क्वेश्चन फंस रहे हैं ना, तो बायोलॉजी के भी फंसेंगे, बायोलॉजी में आप श्योर हो जाएंगे। जैसे आपने मान लीजिए 9th-10th की बायोलॉजी पढ़ी, ओके, आपने कंप्लीट कर ली, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए CDS 1/2020 से लेके जो अभी का CDS हुआ है 1/2022, ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ, CDS 1/2020 से लेके CDS 1/2022, वहाँ तक के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, उससे पहले के लगा रहे हैं तो उस टाइम का पैटर्न अलग था भाई साहब, ठीक है। तो आप नया वाला पैटर्न जो है वो फॉलो कीजिए, और फिर आप देखिए अगर आपने बायोलॉजी पढ़ ली और वहाँ से क्वेश्चन लगा रहे हैं ना, तो आपके 10 में से 6-7 questions तो आराम से लग रहे होंगे, और नहीं लग रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने पढ़ी है, आपको पता चल जाएगा हाँ मैंने जहाँ पे गलती करी थी पढ़ना चाहिए था, मैंने इसे हल्के में ले लिया था। तो बायोलॉजी जो है वो आपको एक इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाली है, आप श्योर हो जाएंगे कि 10 में से मैं 8-9 questions बायोलॉजी में कर सकता हूँ, लेकिन आप पॉलिटी हिस्ट्री जियोग्राफी में आप श्योर नहीं हो सकते कि आपके 20 में से 8-9 questions फंसेंगे, ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ, और इस बात को आप समझने की कोशिश करिए। और आप बायोलॉजी अगर आपने नहीं भी पढ़ी है ना तो प्लीज़ स्टार्ट करिए, और 9th-10th की बायोलॉजी करनी है उसके ऊपर आपको जाना ही नहीं है और ना उसके नीचे जाना है। तो 9th-10th की बायोलॉजी करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक चैप्टर को 2 दिन में करेंगे तो 9th की बायोलॉजी तो मेरे को लगता है 10 दिन में ख़त्म हो जाएगी, एक चैप्टर 2 दिन बोल रहा हूँ मैं, जबकि आपकी कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि एक चैप्टर 1 दिन में कर देंगे, बट एक चैप्टर 1 दिन में हो भी सकता है, बट आपको 2-2.5 घंटे पढ़ना पड़ेगा, और इतना मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। तो आप एक चैप्टर को 2 दिन में कीजिए, 3 दिन में कीजिए, आप लगभग 15 दिन में 9th की बायोलॉजी कर लीजिए, और 15 दिन में या 25 दिन में
टेंथ की बायोलॉजी कर ली, इतना टाइम आपके पास है, आप कहीं और से टाइम काट के इसमें टाइम दीजिए, कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ। बाकी आपकी सब मर्जी है, मेरे अकॉर्डिंग तो आपको बायोलॉजी करनी चाहिए थी, करनी चाहिए थी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।